नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। आज कांग्रेस की युवा नेता नितिन सिंह हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इत्तफाक रहा आपका राजनीति में आना? जी बिल्कुल, एक ऐसी परिस्थिति जिसकी कल्पना ना मैंने की थी, ना मेरे परिवार ने की थी, ना मेरे क्षेत्र में किसी ने की थी। ऐसी परिस्थिति सामने आई और परिस्थितिवश बीच में आना पड़ा। आपके सामने हूँ और जो जनसेवा का कार्य मेरे पिता लगभग 40 वर्ष करते रहे, खास तौर पे बुंदेलखंड में और हमारे क्षेत्र में, तो उसमें उनके सहयोगी के रूप में हमेशा रहा। आज जो भी परिस्थिति है, जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी और जो भी जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र का जो परिवार है, जो वरिष्ठ मेरे हैं, वो देंगे, उसमें मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ और उनकी सेवा के लिए लगा। कोरोना का जो समय था, बहुत कहना चाहिए एक महामारी का दौर था, भीषण विभीषिका लोगों ने झेली है और उससे नितिन भी अछूते नहीं रहे। बहुत लोकप्रिय एक नाम था हम सबके बीच में, बृजेंद्र प्रताप सिंह राठौर जी का, उनका देहांत हुआ कोरोना के चलते, और उसके बाद इत्तफाक जैसा मैंने यूज़ किया। अब बड़ी चर्चा है कि आपको पापा की जगह पर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, तो बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है। देखिए, निश्चित रूप से एक बेटा जब उसके पिता होते हैं तो वो निष्फिक्र रहता है, इतनी जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं, क्योंकि उसको लगता है कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ है तो पिता हैं। आज पिता सामने नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो जो भी जिम्मेदारियां मुझे मिलेंगी या जो भी जिम्मेदारी, चाहे बड़ी हो छोटी हो, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि जो आशीर्वाद उनका है और जो रास्ता वो मुझे दिखाना चाहते थे और जो मेरी पार्टी तय करेगी मेरे लिए, मैं उस पर अपना पूरा प्रयास करूँगा कि उस पर खरा उतरूँ। और ख़ास तौर पे मेरे क्षेत्र के जो वरिष्ठ, वो सभी लोग मेरे आज पिता नहीं हैं, वो सभी लोग मेरे पिता तुल्य हैं, वही मेरा भविष्य निर्धारित करेंगे। ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव भी मेरा नहीं है, मेरे से ज़्यादा ये उपचुनाव मेरे पिता का है, बिल्कुल उनका चुनाव है। और वो मेरे क्षेत्र की जनता जो हमेशा, जिसकी सेवा मेरे पिता ने की और हमेशा उनके हर सुख दुख में मेरे क्षेत्र की जनता रही, ये उनका चुनाव है और सरकार के साथ है, तो वो सारे फैसले वो लेंगे, सारे आगे के रास्ता जो हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ हैं वो बताएंगे, मेरे युवा साथी जो, जिनके साथ मैं कदम से कदम मिला के चलता हूँ और चलता रहूँगा, वो मेरा रास्ता तय करेंगे। पार्टी ने आपसे कहा कि आप तैयारी करें चुनाव के लिए? बिल्कुल, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय मुकुल वासनिक जी ने, उन्होंने मुझे कहा, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, कि आप तैयारी करिए, आप अपने क्षेत्र में घूमिए। और मैं घूम रहा हूँ और क्षेत्र में तो मैं अपने पिता के सहयोगी के रूप में पहले भी घूमता। आपके पिता अपने इलाके में, जो लोग बुंदेलखंड को जानते हैं या पृथ्वीपुर जिन्होंने देखा है, बहुत लोकप्रिय थे वहाँ पर। जी बिल्कुल, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने जो राजनीति पहले चलती थी, लोग कहते थे साहब सामंतवाद, ठाकुरवाद, तमाम चीज़ें, मेरे दादा ने पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश की, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उसके बाद जनपद सदस्य रहे आजीवन, और फिर मेरे पिता, उनकी स्वर्गवास के बाद मेरे पिता को राजनीति में आना पड़ा और उन्होंने जो राजनीति वहाँ बदलने की कोशिश की, जातिगत राजनीति बदलने की कोशिश की, हर समाज के लोगों को उन्होंने बराबर का अधिकार दिया और उसके साथ में हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में एक साधारण अपने बेटे, अपने भाई की तरह वो हमेशा उपस्थित रहे। तो वो राजनीति जो पहले कार्यकर्ता या एक कुछ खास लोगों से चिन्हित होती थी, उन्होंने उसमें एक साधारण सहजता लाए और सबके बीच में साधारण रूप से उपस्थित रहे और हमेशा उपलब्ध रहे। वो राजनीति उन्होंने की, वही राजनीति मैंने उनकी देखी है और वही संस्कार उन्होंने मुझे दिए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरह से वो बड़े आसानी से, सहजता से अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहते थे, मैं अपने जीवन पर्यंत में प्रयास मेरा यही होगा कि उसी सहजता, उसी सरलता के साथ लोगों के बीच में उपस्थित। ये देखिए, एक दो चीज़ें हैं कि एक बड़ा इत्तेफाक था कि बृजेंद्र सिंह जी को भी अचानक राजनीति में आना पड़ा था, वैसे ही नितिन भी अचानक राजनीति में आए हैं, और एक जो सामंतवाद की राजनीति थी उसकी जो कहना चाहिए बेड़ियाँ थी, उनको तोड़ने का काम आपके दादाजी ने शुरू किया था, और आपके पिताजी की जो एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो बहुत सहज व्यक्ति थे, उनको कोई भी कभी भी मिल सकता था, वो विधायक हैं या वो मंत्री हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता था। जी बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही और हमेशा उन्होंने
लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र के लोगों का, सबका अच्छा सोचना चाहा और नेगेटिव सोच कभी नहीं अपनाई, और वही संस्कार मुझे दिए हैं। मेरा भी प्रयास यही होगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ काम करूं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, उससे मुझे मतलब नहीं। मेरा प्रयास होगा कि जो सपने हमारे क्षेत्र के लिए मेरे पिता ने देखे थे, क्योंकि बुंदेलखंड आप भी जानते हैं काफ़ी पिछड़ा है, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ के किसान की है वो है पानी। पानी की समस्या से वो किसान हमेशा जूझता है। दूसरी समस्या वहाँ पे है युवाओं को रोजगार, पलायन करते हैं बड़ी संख्या में लोग, सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। तो मेरा प्रयास होगा, जो मेरे पिता का स्वप्न था कि पानी के लिए वो प्रयास कर रहे थे कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है, जो मुझे लगता है कि ज़रूर मिलेगा, उस पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि किसान जो वहाँ का है उसके लिए पानी की सुविधाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर पानी की सुविधा की बात की। इस समय बुंदेलखंड में खेत को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा, ये एक बड़ी समस्या। ऐसे में बिजली कटौती बहुत बड़ी समस्या इस वक्त बिजली कटौती की है, और गांव गांव में बिजली की कटौती हो रही है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब एक आजकल जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोग कहते हैं तो बिजली जोड़ दी जाती है और सुनियोजित तरीके से वो काट दी जाती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है, जो भी अधिकारी हैं, वो इस ओर ध्यान दें। गरीब को बिजली की आवश्यकता है, साथ साथ आठ आठ दिन, दस दस दिन, एक एक महीने अगर बिजली नहीं होगी तो हम आप दो घंटे हमें दिक्कत होती, तो गरीब तो बेचारे उसको और ज़्यादा दिक्कत है। तो उसका ध्यान रखें, बिजली की उनको उपलब्धता रहे। और साथ ही जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि मेरे पिता चाहते थे कि रोज़गार वहाँ पर हो बुंदेलखंड में, उसके लिए सबसे उपयोगी बुंदेलखंड में जो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि बुंदेलखंड में कोई उद्योग नहीं है, तो पर्यटन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे अगर मौका मिलता है, मेरा पूरा प्रयास होगा, जैसे ओरछा है, रामराजा की नगरी है, पर्यटन ही वहाँ सबसे बड़ा उद्योग है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का पालन पोषण होता है। तो प्रयास जो इससे पहले कमलनाथ सरकार थी, मेरे पिता का प्रयास था कि ओरछा से जोड़ के एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें आसपास के जो गाँव जहाँ ऐतिहासिक धरोहर हैं और कई तरह की संभावनाएँ पर्यटन के लेकर हैं, वहाँ पे पर्यटन को डेवलप किया जाए जिससे वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। अभी अभी टूरिज्म के नाम पे अगर हम देखते हैं बुंदेलखंड में जाते हैं तो आप खजुराहो से चल के ओरछा पे खत्म हो जाते हैं। बीच में तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत, जिनके बहुत बारे में अभी खोज भी जरूरी है जी, जिनका संरक्षण भी जरूरी है जी। सबसे पहले तो संरक्षण जरूरी है और खोज जरूरी है, और निश्चित रूप से यदि मौका मिलता है और सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि ये ध्यान सरकार का ही काम है, और अगर ध्यान देगी तो मुझे लगता है पर्यटन को विकसित करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा, और ये जो पलायन जो वहाँ के आदमी करके बाहर जाते हैं उनको भी दुकानदारी का मौका मिलेगा, उससे कई तरह के नितिन ये भी कहीं देखा गया भारत के बारे में भी कहा जाता है, खास करके बुंदेलखंड के बारे में, कि कहीं भी अगर खुदाई होती है तो वहाँ प्राचीन प्रतिमाएँ निकलती ही निकलती हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, ऐसा कई जगह हुआ है कि आप कुछ खुदाई करते हैं ऐतिहासिक धरोहर कुछ ना कुछ पुरानी निकल आती है, क्योंकि इतिहास हिंदुस्तान से बढ़ के इतिहास कहीं का नहीं है, और बहुत सारी इमारतें ऊपर हैं, बहुत सारी इमारतें नहीं हैं, और एक संस्था है इंटेक जो इस पर बराबर काम करती है और प्रयास करती है कि वो इस तरह के जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं वो उनको संरक्षण के लिए हर चीज़ के लिए। तो जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी संभावनाएं हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई है तो पर्यटन से हैं, उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मुझे मौका मिलेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। जिस तरह के नितिन बात कर रहे हैं, कई बार नितिन जी ये भी लगता है कि बुंदेलखंड का जो एक्चुअल बुंदेली लोग थे जी, बुंदेलों के इतिहास को कहीं ना कहीं दबाया गया है। देखिए, इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बुंदेलाओं का इतिहास बहुत पुराना है, बुंदेलखंड का इतिहास बहुत पुराना है, और उसको दबाया गया नहीं दबाया, ये जितनी ख्याति देश में बुंदेलों की होनी चाहिए थी वो नहीं है। अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को छोड़ दें, झांसी वाली रानी को जी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमको देखने को छत्रसाल या कुछ कुछ मिलता है, बाकी तमाम ऐसे राजे रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य से इतिहास को रक्त रंजित बनाया वहाँ पर और उस इलाके को आज़ाद रखा था। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं कहता हूँ कि देर आए और दुरुस्त आए वाली आपने बात सुनी होगी, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पुरानी बातें हैं, भविष्य में मुझे लगता है इस ओर ध्यान देना चाहिए, और बुंदेलखंड में बहुत धरोहर हैं, काफ़ी कुछ है कहने के लिए। ओरछा के पास ही एक जगह है गढ़कुंडार, वहाँ का किला खंगार राजवंश का किला है, बहुत खूबसूरत किला है, बहुत सारी संभावनाएँ वहाँ पर हैं। टीकमगढ़ में बहुत संभावनाएँ हैं, बलदेवगढ़ किला है, बहुत संभावनाएँ हैं, और वही प्रयास हम लोगों का था। हमारे खुद के पृथ्वीपुर विधानसभा में एक मड़खेरा जगह है, वहाँ सूर्य मंदिर है बहुत पुराना,
खूबसूरत मंदिर है, सरकार को उस और ध्यान देना चाहिए। और ऐसी जगह पे अगर सरकारें और पर्यटन पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो रोजगार की समस्या, मुझे रोजगार की समस्या हल हो सकती है। बुंदेलखंड ऐसा इलाका है कि जहाँ हम अगर आधुनिक काल में आ जाएं तो जो राजे रजवाड़े थे उनके अलावा जैन, वैष्णव, शैव, बौद्ध, हर किस्म के मोनुमेंट्स वहाँ मिलते हैं, बिल्कुल प्रतिमाएँ वहाँ मिलती हैं, और एक ये समझा जा सकता है कि बहुत संपन्न इलाका कभी बुंदेलखंड रहा होगा, आज बहुत पिछड़ा है। लेकिन बिल्कुल संपन्न तो किसी ज़माने में भारत सोने की चिड़िया थी, तो संपन्न तो पूरा भारतवर्ष उस वक्त रहा होगा। लेकिन अब आज हम यथार्थ में अगर हम बात करें तो आज आवश्यकता है कि जो पुरानी धरोहर हैं और जो पुराने लोगों का इतिहास है, जिन्होंने अपना, कई लोगों ने अपना जीवन देश के लिए त्याग दिया, कई लोगों ने तरह तरह के संग्राम किए, तो उनको याद करने के लिए उनकी पढ़ाई में उनके लोगों का उल्लेख होना चाहिए, और उसके साथ में वहाँ की धरोहर इमारतें जो उन्होंने बनाई हैं उसका संरक्षण होना चाहिए और उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ये बड़ी बात है कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया देखना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती है, लेकिन हम उसको उस तरीके से प्रस्तुति नहीं कर पाए जी। और नितिन जी जैसे अगर युवा आगे आते हैं, काम करते हैं, तो यकीन किया जा सकता है कि हम अपनी धरोहर जितनी भी हैं उनको दुनिया के सामने ला पाएंगे। खाली खजुराहो और ओरछा के अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास में। आपने चुनाव की तैयारियां लगभग कर ली हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ब्रजेंद्र जी के जो सपने थे उन्हें पूरा करना चाहते हैं नितिन जी। राजनीति को देखे नितिन जी से बातचीत का एक दौर जारी रहेगा। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता नितिन सिंह जी। नितिन जी, चुनाव में आपके पिताजी क्या तरीका इस्तेमाल करते थे कि उनको बड़े भरपूर वोट मिलते थे? देखिए, तरीका तो मुझे भी नहीं पता, और मुझे लगता है वो कोई किसी स्ट्रेटजी के तहत काम नहीं करते थे। वो उनकी खास बात थी उनकी सहजता, आम लोगों से जुड़ाव, आम लोगों से जुड़ाव, और निश्चित रूप से जिस तरह का जुड़ाव वो लोगों से रखते थे, लोग भी उसी तरह का जुड़ाव उनसे रखते थे, और भरपूर आशीर्वाद उनको मिलता था। और मैंने बचपन से लेके और अभी तक जब तक वो थे, मैंने कभी भी उनको गुस्से में आके या आक्रोशित होके कभी किसी के सामने नहीं देखा। वो हर चीज़ का जवाब बड़ी सहजता सरलता से देते थे, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जो कमियाँ मुझ में हैं मैं उसको भी सुधार करूँ और उनके जैसे चलने का अपने जीवन में निर्वहन करूँ, ये मेरा प्रयास होता है। तो मुझे लगता है उनकी सहजता सरलता और आम लोगों में आम तरीके से घुस जाना और उनके बीच में बातों को रखना, यही उनकी सबसे बड़ी जिसको कहना चाहिए USP थी। तो निश्चित रूप से कोई सुनियोजित तरीके से वो नहीं करते थे, वो एक उनका सहज स्वभाव था और इसी वजह से उनको आशीर्वाद मिलता था। क्योंकि एक ज़माना था बुंदेलखंड का चुनाव बाहुबल का चुनाव होता था जी, बंदूकों का चुनाव होता था, अब वो सारी चीज़ें बदल रही हैं जी। अब देखिए, वो ज़माना मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने जब से देखा तो अपने पिता की राजनीति मैंने सबसे ज़्यादा देखी बुंदेलखंड में, तो उनके में तो बंदूक का काम ही नहीं था, क्योंकि बड़ी सरलता के साथ, वो अलग बात है कि उनके जीवन में बड़ा संघर्ष और बड़े अलग अलग तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी उनको बंदूक चलाते भी नहीं देखा, उनको ये नहीं मालूम था कि बंदूक कैसे चलाते हैं। तो बड़े सरल व्यक्तित्व थे वो, बड़े साधारण तरीके से उन्होंने काम किया, और मेरा मानना है कि उनका स्नेह और प्रेम लोगों से इतना ज़्यादा था कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग और छोटे से छोटे बच्चे जीवन भर उनको भाई साहब बुलाते रहे, तो ये स्नेह होता है। वरना आदमी कोई कहता है भाई ब्रजेंद्र सिंह राठौर या राठौर साहब, जब भाई साहब एक टाइटल मिल जाता है इसका मतलब कि लोग उनको अपना समझते थे, और वो भी हर आदमी को अपना समझते थे, हर जगह जाते थे। और मेरा प्रयास अपने जीवन में यही होगा जब तक मेरी अंतिम सांसें हैं, कि जिस तरह का टाइटल उनको भाई साहब मिला था, वो स्नेह वो प्रेम उन्होंने लोगों को दिया और लोगों से उनको मिला, मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जीवन में वही प्रयास करूं कि वो स्नेह वो प्रेम उसका अगर मैं 10% या 20% भी बना पाऊं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। और मेरा प्रयास होगा कि मेरे क्षेत्र और बुंदेलखंड के जो मेरे लोग हैं बहुत प्रिय हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, तो उनका प्रेम और आशीर्वाद बुजुर्गों का बना रहे, युवाओं का साथ बना रहे और महिलाओं का साथ बना रहे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड में मैंने देखी है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, एक झिझक एक शर्म उनमें होती है, और मेरा प्रयास है कि उनको भी बराबर सम्मान मिले और वो भी आगे आके और राजनीति में अपनी बात रखें,
और सामने आए, तो ये मेरी कोशिश इसमें होगी कि मैं इसमें एक इम्प्रूवमेंट चाहूँगा अपनी राजनीति में। जिस किस्म की राजनीति बृजेंद्र सिंह जी करते थे उसी किस्म की राजनीति आप करना चाहते हैं। बृजेंद्र सिंह जी ने कभी आपसे कहा था कि आपको राजनीति करनी है भविष्य में? नहीं नहीं, कभी उन्होंने कभी नहीं कहा। और बल्कि ये जरूर है कि आप जब राजनीतिक परिवार में होते हो तो आप उससे हटके नहीं साथ काम कर रहे हैं, चुनाव हैं, पब्लिक साथ में रहते हो, आप चुनाव में जाते हो और चूंकि लोगों का इतना जुड़ाव होता है तो निश्चित रूप से कई बार पापा वहाँ नहीं होते थे तो अब हमारे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ पापा के साथ के वो सब भी मेरे लिए उतने ही सम्मानीय जैसे मेरे पिता रहे, तो वो कभी बुलाते थे कि आप यहाँ आ जाइए कार्यक्रम में, इसमें आ जाइए, जाना पड़ता है। तो वहाँ मुझे भी खुशी होती थी उनके बीच में, क्योंकि वहाँ के लोगों का इतना जुड़ाव था कि जब वो एक बार बोलते हैं तो वो दिल से बोलते हैं। सामान्य तौर पर राजनीतिक परिवारों में देखा गया है कि पहले से तय हो जाता है कि साहब मेरे ये पुत्र राजनीति करेंगे, तो उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी होती है विधिवत लॉन्च के। आपकी तो ऐसी कोई लॉन्चिंग सेरेमनी भी नहीं, सारे इत्तेफाक में लॉन्चिंग। और आई थिंक मुझे जो लगता है कि आप होटल लाइन, आपने पढ़ाई भी की होटल मैनेजमेंट की और आप होटल का संचालन करते हैं, आपका ड्रीम भी वही था कि वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके। बिल्कुल, इसके तहत ही काम किया। और आप जो हमारा होटल है उसमें 95% स्टाफ जो है हमारा अमर, वो सब अमर महल नाम, अमर महल होटल, उसमें 95% स्टाफ जो है वो लोकल ही है। और ये मेरे पिताजी का ये सपना था कि जो भी काम हम करें उसमें जो लोकल हमारे जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले और उनको हम ट्रेन करें और वो काम करें, और हम उसमें सफल भी हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो प्रोफेशनल टच दे पाएँ ना दे पाएँ, लेकिन वो हार्ट का दिली टच वो जो मेहमान हमारे आते हैं उनको देते हैं और अपनत्व उनको महसूस होता है। तो यही प्रयास हम लोगों का हमारे काम में भी, और यही प्रयास मेरा, अब मेरा भविष्य राजनीति है और जनसेवा है, मेरा प्रयास यही हुआ कि जो अपनत्व हम लोग, मेरे पिता कोशिश करते थे, वही अपनत्व मैं सबके साथ रहूं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूं कि किसी को मेरे द्वारा कोई ऐसी चीज़ ना लगे जो उसको गलत लगे कोई चीज़ है। और मैं तो अभी जितने चुनावी कार्यक्रम में गया, अभी जो हमने किए, मैंने हर भाषण में अपने कहा कि मेरे जो वरिष्ठ जो पितातुल्य हैं, अगर मेरे जीवन की शुरुआत है, राजनीति की शुरुआत है, अगर मेरी कोई कमी या कोई गलती होती है तो हर बुज़ुर्ग को ये अधिकार है मेरे कान पकड़ के खींचने का, अगर मैं कोई कहीं किसी जगह गलत हूँ, उसमें मेरे पास कोई किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं है, मैं उसको अपना उनका आशीर्वाद समझूंगा अगर मेरी गलत चीज़ को वो टोक कर उसको सुधारें, क्योंकि अपना ही आपकी गलती को टोकता है। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग मेरी कोई गलती है उसमें मुझे सुधारें और युवा साथी मेरा सहयोग करें जिससे हम बराबरी से आगे बढ़ सकें। इस चुनाव को आप कठिन मानते हैं, आसान मानते हैं अपने लिए? देखिए, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता और हर चुनाव कठिन होता है, हर प्रतिद्वंदी अपना पूरा प्रयास करता है। तो मेरा मानना है कि आपको अपना बेहतर से बेहतर करना चाहिए, और ये चुनाव सबसे ज़्यादा कठिन इसलिए क्योंकि ये चुनाव सरकार के साथ है। उपचुनाव ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि सत्ता पक्ष जो सरकार उसकी उसके फेवर के लिए उसका होता है, तो शासन प्रशासन इसमें फ़र्क होता है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे पिता ने ना कभी किसी सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, ना किसी नेता के साथ, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा, कोई भी पार्टी हो, किसी के साथ कभी ऐसा संबंध नहीं रहा, हमेशा हर किसी के साथ मधुर संबंध। आपके पिताजी के को लेकर लोगों की जो फीलिंग है जी, जिसको हम कई बार कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में सिंपैथी वोट जी, उसका लाभ तो आपको भरपूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका मिलना चाहिए, और बाकी उसके साथ साथ सिंपैथी के साथ साथ मेरा प्रयास होगा कि आगे हम लोग किस तरह से, मेरा खास तौर पे मेरा मानना है कि क्योंकि जो आप कह रहे हैं, जिस सहजता की आप दावा कर रहे हैं, जिस सहजता की आप बात कर रहे हैं, अगर वो नैसर्गिक सहजता संस्कारों से आपके पास है तो मुझे लगता नहीं है कि लोग आपसे कटेंगे, लोग स्वयं होकर आपसे जुड़ेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल, मुझे लगता है, और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे भरपूर स्नेह आशीर्वाद हमारे लोगों का मिल रहा है। और ये तो हम लोग चुनाव के तहत भी नहीं, वैसे भी हम लोग कभी कोई कार्यक्रम या कुछ होता था हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं, उनसे जुड़ाव बराबर बना रहता है। तो कोई प्लानिंग के तहत हम नहीं कि चुनाव में हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं। अब एक डेढ़ साल वापस एक डेढ़ साल बीजेपी को हो गया है तो क्या क्या मसले क्या होंगे इस इलेक्शन में, आपको क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? देखिए, अगर हम सरकार की कमी देखें तो इस वक्त सबसे बड़ी कमी तो मैंने आपको बताया बिजली की है। इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग परेशान बिजली से हैं, गांव-गांव में कुड़कियां हो रही हैं, गरीब आदमियों की मोटरसाइकिल जब्त की जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आप पेट्रोल देखिए, बेरोजगारी है, बगल में यूपी लगा है वहाँ 100 रुपये लीटर है, 111 रुपये लीटर है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बिजली है, और उससे भी सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, जिसकी बात ये लोग करते थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गरीब आदमी कहीं भी जाना हो बिना पैसे के उसका काम नहीं होता, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है।
जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेरा तो पूरा प्रयास होगा कि अगर मुझे ये मौका मिला तो सबसे ज़्यादा अंकुश भ्रष्टाचार पे लगना चाहिए, और दूसरा जो लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं उनको रोज़गार यहाँ मिलना चाहिए जिससे वो बाहर ना जाएं। ये दो बहुत बड़ी बातें नितिन कह रहे हैं कि एक तो जो बुंदेलखंड इलाके से पलायन होता है, बुंदेलखंड में चूँकि पृथ्वीपुर भी आता है, तो पलायन कैसे रोका जाए, स्थानीय स्तर पर रोज़गार कैसे दिया जाए, ये चुनौती आप चुनाव जीतते हैं विधायक बनते हैं तब आपके सामने भी रहेगी और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। और दूसरा करप्शन, लेकिन सरकार तो हमेशा करप्शन को लेके जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है। आप देखिए सरकार कहती है, लेकिन आप सब भी देखते हैं और आप सब जानकारी ले सकते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, गांव-गांव में आप देखिए कि कोई भी गरीब आदमी के छोटे छोटे काम भी होते हैं तो बिना पैसे के नहीं होते। अभी दो तीन फोन पर अभी हम लोग सुन रहे थे जिसपे इस तरह के मैटर आ रहे थे। तो दिक्कत यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि लोगों के काम हो जाएं सबसे पहले, क्योंकि दिक्कत यह है कि जैसे सबसे बड़ी घोषणाएं होती हैं कि साहब आवाज़ गरीब आदमी को मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में जाके देख रहा हूँ तो आवाज़ जिनको हकीकत में आवश्यकता है उनको आवाज़ मिल ही नहीं रहे हैं, आवाज़ भी पहचान पहचान के मिलते, तो ये बड़ी बहुत बड़ी दिक्कतें इस तरह की। आपके यहाँ की तो कहावत भी बहुत चर्चित है कि अंधा बाटे रेवियो चीन चीन के दे। जी जी, ये मुंदेली कहावत है, तो आप ही ने बोल दिया ये चीज़, तो इस तरह की चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। और बाकी उन चीज़ों पे अपनी जगह है, बाकी जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि रोज़गार के लिए काम होना चाहिए, और दूसरा पानी के लिए काम होना चाहिए, और तीसरा जो मैंने बताया भ्रष्टाचार उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये मेरा प्रयास ये होगा कि जो काम मेरे पिता करना चाहते थे वो काम स्वीकृत हो जाएं, और दूसरा ये जो खास मुद्दे हैं इस पे इसको लेके अभी तो अगर मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो भी विपक्ष का ही बनूंगा। एक मसला हमसे छूट रहा था, इसमें आपने कहा था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में, जी इसे कैसे आप मूर्त रूप दे पाएंगे? नहीं, इसको देखिए आज तो ये सारे मुद्दे सरकार के समक्ष रखने पड़ेंगे और ये सरकार को ध्यान देना होगा, उसके लिए हम लोग लग के काम करेंगे, और मेरे पिताजी उसमें लगे हुए थे तो मैं पुराने जो उनके तमाम पत्र उन्होंने लिखे थे सारी चीज़ें थी उस पर प्रयास करेंगे। और आज हमारा नगर है पृथ्वीपुर, आज से 4-5 साल पहले पृथ्वीपुर की स्थिति ये थी कि वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। आदरणीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त मेरे पिताजी ने उनके साथ लग के एक योजना के तहत पानी का काम कराया था जिससे जामनी नदी से पानी लेकर और पृथ्वीपुर में लाया गया, एक पाइपलाइन डली, और लगभग 4 या 5 साल हो गए होंगे इसको, 3 या 4 साल शायद, कि वो पानी पृथ्वीपुर आ गया गांव-गांव में होकर, और आज पृथ्वीपुर के 90% जो नगर के इलाके हैं मोहल्ले हैं उसमें पानी जामनी नदी से योजना से जुड़ गए होंगे, वो जामनी से पानी आ रहा है, उस वक्त हो गया था, गांव-गांव में ये सब चल रहा है। तो कोशिश यही है कि ये सारी सुविधाएं गांव में हो, और अगर पानी भरपूर मात्रा में होगा तो किसान को पलायन करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने खेती किसानी अच्छे से कर सकेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मैं उस विपक्ष का अगर विधायक बना तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। हम तो प्रार्थना करेंगे इस पर से आप विधायक बने। बिल्कुल, बीजेपी से कौन कैंडिडेट आपके विरोध में आपको लगता है कि माकूल एक फाइट हो सकती है? दावेदार तो हर पार्टी में कई होते हैं। देखिए अभी तो जितना मैंने सुना है कि बीजेपी से 8-10 उम्मीदवार हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उम्मीदवार कोई भी हो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रतिद्वंदी जो भी होगा वो उसको मैं मजबूत मान के ही चलूँगा, क्योंकि ये चुनाव सत्ताधारी सरकार से है, और मेरी तरफ से मैं आश्वस्त इसलिए हूँ क्योंकि मेरी तरफ से चुनाव वहाँ की जनता और मेरे पिता का आशीर्वाद है। तो वो जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपना मान के लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। एक बहुत बड़ा उदाहरण बंगाल है जहाँ ममता बनर्जी ने अकेले भारत सरकार को पटकनी दी थी, उससे भी बड़ा उदाहरण दमोह उपचुनाव है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती उपचुनाव में। तो जब जनता तय कर लेती है और जनता का आशीर्वाद होता है तो कोई भी सामने हो मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होती है, और जो भी प्रतिद्वंदी है उसको मजबूत मानकर ही चलना चाहिए चाहे कोई भी हो। मैं तैयार हूँ, चाहे कोई भी हो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ और उनका स्वागत है। अच्छा, आप विधायक बन जाते हैं तो प्रायोरिटी पे पहले 2-3 काम क्या होंगे जो सबसे पहले करने के आपको लगता है कि बहुत आवश्यक है? देखिए मैं अगर बनता हूँ तो प्रायोरिटी पे मेरे पिता जो जो काम कराना चाहते थे और स्वीकृति उनको नहीं मिल पाई, मेरा सबसे पहला प्रयास वही होगा, क्योंकि मेरे पिता का प्रयास हमेशा जनहित के मुद्दे ही होते थे। उन चीज़ों पर मैं अपना प्रयास करूँगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुझे लगता है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा भी रहा हूँ, पर्यटन की संभावनाएं हमारे बुंदेलखंड में बहुत है, हमारे क्षेत्र में बहुत है। मेरा प्रयास यही होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे युवाओं को और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और पलायन की स्थिति कम आए। तो मेरा कोशिश यही होगी, और मेरे पिताजी जो काम कराना चाहते थे, कुछ सड़कें जो गाँव में थोड़ी बहुत बची हैं उनको कराने का काम, इस पर मैं जोर दूंगा। और ख़ासतौर पर शिक्षा,
इस पे भी जो कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मेरा प्रयास होगा कि जितना शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और कल के बच्चे शिक्षित होंगे, उतना भविष्य उनका भी उज्ज्वल होगा और हम सबका उज्ज्वल होगा और क्षेत्र का उज्ज्वल होगा। आप सुन रहे थे नितिन सिंह जी को। पृथ्वीपुर से आप कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और साफ कहना है कि जो भी उम्मीदवार होगा उसको मैं मजबूत मान के ही लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रजेंद्र सिंह जी के पुत्र होने के नाते आपको भरपूर लाभ मिलेगा और लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा जैसा आप चाहते हैं। और अगर आप जीतते हैं तो आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप अपने पिता के सपनों को तो पूरा करें और इलाके के विकास की एक नई इबारत देखें। आपने हमें समय दिया, मेरा पूरा प्रयास, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।